फ्रेंड्स, मैं जयशंकर झा, फिजिक्स लैब इंस्ट्रक्टर। ये जो प्रैक्टिकल है क्लास 10 के लिए है, क्लास 10 का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो आपको बताने जा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट का एम है टू स्टडी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेसिस्टर ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट एंड डिटरमाइन इट्स रेसिस्टेंस। ये जो प्रैक्टिकल है ये ओम्स लॉ पर बेस्ड है। ओम्स लॉ कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस दैट इज टेम्परेचर प्रेशर डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर फॉर रिमेन्स द सेम। अगर इसके अनुसार चलेंगे तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और v जो है v इज इक्वल टू आई आर वेयर आर इज अ कॉन्स्टेंट। अब इससे अगर इस दोनों का रेशियो निकाला जाए v बाई आई इज इक्वल टू आर, तो ये r को उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कहते हैं। अब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए ये सर्किट डायग्राम आपके सामने है। इस सर्किट डायग्राम में कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इस कंपोनेंट्स का नाम आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, इसको कहते हैं बैटरी। ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। ये स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, ये रिमोस्टैट है, इसका दूसरा नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसको वेरिएबल रेसिस्टर भी कहते हैं। इससे हम लोग सर्किट में करंट को घटा बढ़ा सकते हैं। ये है एमीटर, एक ऐसा मीटर है जो कि करंट को मेजर करता है। यहां आ जाइए, ये है आपका वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, और ये है अननोन रेसिस्टर जिसका वैल्यू आपको निकालना है, ये आर। आज इस क्लास में आपको ये इंट्रोडक्शन दिया गया है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का, और ये कंपोनेंट और ये सर्किट डायग्राम वगैरह आपको बताया गया, इससे रिलेटेड ये सारा कंपोनेंट्स आपको अभी मैं दिखाता हूं, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके दिखाऊंगा। इस सर्किट डायग्राम में ये जो एमीटर है ये सर्किट में सीरीज में कनेक्ट है, और ये जो वोल्ट मीटर है ये सर्किट में पैरेलल कनेक्ट है। अब इसके बाद इस सारे कंपोनेंट्स को, ये रिहोस्टेट भी सीरीज में कनेक्ट किया गया है। अब आपको ये सारा कंपोनेंट्स आपको मैं इस जगह दिखा रहा हूं। अभी आपको दिखाया है ये बैटरी, ये है बैटरी, ये रेड पोर्शन इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल। इसके बाद आ जाइए, यहां से आ जाइए एमीटर, ये है आपको एमीटर। ये एमीटर के जगह इसका छोटा यूनिट मेजर करता है, इसको कहते हैं मिली एमीटर। एक हजार जो है मिली एमीटर, मिली एम्पियर का एक एम्पियर होता है, तो इसको हम लोग बाद में एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है मिली एमीटर जो करंट मेजर करेगा, और ये है वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, यहां कनेक्ट है। और ये है आपको अननोन रेसिस्टर, एक क्वाइल है हीटर क्वाइल, ये यहां आपको लगाया जाएगा। ये आपको स्विच है, ये लगा हुआ है, लगा हुआ है तो ऑन है, इसको निकाल दिया गया तो ऑफ हो गया, तो ये स्विच है, और ये है कनेक्टिंग वायर। इसी से सारे कंपोनेंट्स को हम लोग इस कनेक्टिंग वायर से जोड़ते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करता हुआ देखेंगे। ये है वेरिएबल रेसिस्टर, इसमें क्या है कि ये करंट को हम लोग घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर यहां देखिए तीन टर्मिनल है, एक टर्मिनल यहां है, एक यहां है और एक यहां है, अगर इस दो टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं, इनपुट और आउटपुट यहां से देते हैं, तो ये डायरेक्ट रेसिस्टर का काम करेगा, और अगर यहां और यहां कनेक्ट करेंगे तो ये वेरिएबल रेसिस्टर का काम करेगा। तो इसी को कहते हैं रिहोस्टेट,
नेक्स्ट क्लास में इस प्रैक्टिकल को आप परफॉर्म करता हुआ देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे।